हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि मैटर के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दो चीज़ होती है। अब हम लिविंग थिंग को कैसे देख सकते हैं कि जो ग्रोथ कर रही है, ठीक है, जो चल रही है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो ये सब लिविंग थिंग में आते हैं। लिविंग थिंग के हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग। और हम नॉन लिविंग थिंग के एग्ज़ाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि बस, कार, ट्रेन और बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप ग्रोथ नहीं करती है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब हम जैसे देखते हैं कि ये हमारे हमारे आसपास बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिख रहा है हमको, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि लिविंग थिंग भी है और नॉन लिविंग थिंग भी है। अब हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। जैसे हम नेक्ड आई है उसे हम नहीं देख सकते, और ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स। और ये जब पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर ये मैटर कहलाते हैं। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूल जब ये छोटे छोटे एकदम पार्ट्स जो एक दूसरे से मिलने के बाद ये मैटर बनते हैं, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग हमने देखा। और उसके बाद फिर हम देखें मैटर क्या होता है। तो मैटर ये होता है कि मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसके टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर ये आगे चल के मैटर बनते हैं। अब हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हम देखते हैं। जब भी हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप से अगर अरेंज होते, सभी में मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट टाइप से जब अरेंज होंगे तो इनकी स्टेट अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, डिफरेंट टाइप से जब अरेंज होंगे मॉलिक्यूल, तब इनकी स्टेट जो है वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब हम जैसे देखते हैं सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। इसका जो होगा एक शेप और वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है, सॉलिड में हमेशा शेप और वॉल्यूम फिक्स रहता है और ये एक दूसरे से बिल्कुल टाइट क्लोजली रहते हैं। ठीक है, और ये हार्ड भी होते हैं। ठीक है, अब इनके मॉलिक्यूल बहुत पास है, बहुत अट्रैक्शन इन दोनों, इन सभी के बीच में, तो ये सॉलिड हो गया। अब वैसे ही हम गैस का देखते हैं तो इनके बीच थोड़ा अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, सॉलिड से कम होगा। अब हम देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, इसका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है, बट शेप फिक्स नहीं रहता है। शेप फिक्स क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इस चीज़ को जब हम अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के साइज़ का हो जाएगा, अगर हम इसको हम एक थाली में डालेंगे तो थाली के साइज़ का हो जाएगा, अगर हम इसको बकेट में डालें तो बकेट का साइज़ ले लेगा। तो हम ये देखते हैं कि इसका साइज़ फिक्स नहीं है, वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसका साइज़ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे कम होता है। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से कम होता है। ठीक है, सॉलिड से लेस होता है। ठीक है, अब हम करते हैं गैस की बात। गैस में हम जैसे ही देखते हैं ना तो इसका शेप फिक्स होता है, ना तो इसका शेप फिक्स होता है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, ना शेप फिक्स हो रहा है ना वॉल्यूम फिक्स हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो है अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, इन दोनों से कम अट्रैक्शन इसमें होता है। ठीक है, इसका कोई शेप भी नहीं होता, इसका कोई साइज़ भी नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ द लीस्ट, सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर इसको हमको रखना है तो कैसे रखेंगे? क्लोज्ड वेसल्स में, हम जो भी है इसको, जो भी हमारा सामान होगा वो सभी जगह चारों तरफ से बंद होगा जब भी हम इसको
रख सकते हैं गैस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ देख ली है कि स्टेट ऑफ मैटर्स कितने टाइप के होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में होगा। कोई भी सॉलिड चीज़ को जैसे हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है सॉलिड, सॉलिड हमारे पास अगर स्टोन है तो स्टोन का कुछ साइज़ हमने ऐसा रखा है, ये स्टोन हो गया। ठीक है, अब ये स्टोन सॉलिड है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, इसका एक फिक्स साइज़ शेप होगा और फिक्स वॉल्यूम होगा और ये हार्ड भी होगा। ठीक है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं मिल्क का। मिल्क का हम एक एग्ज़ाम्पल ऐसे देखते हैं कि हमारे पास एक मिल्क रखा हुआ है, ग्लास में मिल्क रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास मिल्क रखा है या ग्लास या आप कोई एक बॉटल समझ लो, हमारे पास एक 1 लीटर मिल्क रखा हुआ। अब वो हम वो बॉटल से उठा के कोई भी यूटेंसिल्स में डालें या किसी भी चीज़ में डालें तो वो उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, वो जिस भी पात्र में रखेंगे उसको तो वो उस साइज़ का ले लेगा। अब हम यही एग्ज़ाम्पल अगर गैस में लेते हैं तो हमारे पास गैस तो पहले तो उसका शेप भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। हमको गैस रखने के लिए ऐसी जगह चाहिए जो सभी तरीके से क्लोजली पैक हो, उसी के अंदर हम गैस को रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये तीन चीज़ देख ली स्टेट ऑफ मैटर्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस।